कहाँ से आए भाई साहब? अम्बेडा गोपुर। अम्बेडा गोपुर, ये कौन सी लोकसभा में पड़ता है? केराना में? केराना, केराना। क्या वजह है आज आप क्यों आ रहे हैं मोदी जी की रैली? मोदी जी ने अच्छे काम किए, इनवा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या क्या काम किए आपके इलाके? हमारे इलाके में बहुत काम किया है, हमारा कृषि कार्ड भी माफ किया है और जो सड़कें भी अच्छी बनाई हैं और शौचालय भी बहुत बनाए हैं, गैस भी दिया है। तो बताइए, मेरा नाम वाकत अली है। तो ये जो बसपा सपा का गठबंधन हो रहा है, इनका कुछ लग रहा है आपको? हुआ कुछ इनका? वो तो पब्लिक का रुझान है, हम अपना क्या बता सकें, लेकिन हम तो अपना बोल रहे हैं। इस इलाके में नहीं है? इस इलाके में गठबंधन का? हाँ है, तो गठबंधन का भी है, थोड़ा बहुत है जोर। कांग्रेस की क्या हाल है? कांग्रेस का तो खत्म है, कांग्रेस खत्म है, खत्म है, खत्म ही है जी कांग्रेस। खत्म खत्म हो रही है ये कांग्रेस? जो बात भाई ने बताई के सारे विकास करे, गैस के चूल्हे भी दिए, कृषि कार्ड भी माफ करे जी ने। हाँ हाँ हाँ, मोदी जी ने। एक और चीज, अभी बहुत से लोग महिलाएं भी बता रही हैं कि पहले जब योगी सरकार नहीं थी, मोदी सरकार नहीं थी, तो यहाँ बहन बेटियों का निकलना मुश्किल था, ढोर डंगर चोरी हो जाता, तो मजा आया सब। बिल्कुल, अब गुंडागर्दी खत्म है, अब तो सुख शांति है, शांति सुख शांति। वो चोर डकैत कहाँ चले गए? डंडा सकल था, सकता ही डंडा है इनका, वो तो है। हम बताइए, ये बताए हुए बताइए, बताए मैं बता रहा हूँ। फरमान जी, क्या लग रहा है इस बार आपको कि लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? लोकसभा चुनाव में सहारनपुर से तो एरी राघव, हमारी सीट से यहाँ से तबस्सुम जी। बीजेपी का लहर आपको लग रहा है? वजह क्या है बीजेपी के दोबारा से जीत? बीजेपी की दोबारा जीतने की वजह ये है जी, माहौल कुछ हो रहा है। अब वोट जाए मुद्दों पर नहीं जाने का, वोट जाएगा हिंदू मुस्लिम केस पर, इसलिए बीजेपी जीतेगी। अब विकास का कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। लोग तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, विकास हुआ है, मोदी ने बहुत किया है, लेकिन जो नहीं किया उसको कोई कहने वाला नहीं है, वो मीडिया के द्वारा जो है लोगों तक पहुँचने का। अच्छा एक बात बताइए, बहुत से लोग हैं, महिलाएं भी कह रही हैं कि यहाँ पहले भैंसें खुल जाया करती थी, दुकानों पर धमकी हुआ करती थी, खूब गुंडा कर देती थी, चोरी चकरा गुंडा कर दी, इस तरीके की कोई नहीं है। पहले कोई किसी महिला के गले से चेन छीन के भाग जाए थे, वो कोई मामला नहीं है। कोई गुंडागर्दी वैसे नहीं, जिस तरह डकैती हो रही थी, इस तरह कोई मामला नहीं है। मतलब अच्छा विकास हुआ है, प्रशासन भी अच्छा है और चोरी चकारी बंद भी सही है, सब सही है इस मामले में। आप क्या कहेंगे किस बारे में जी? ये जो पूछा है कि जो क्या सुधार आया है पिछले 5 सालों में? जी पिछले 5 सालों में सुधार बहुत हुआ, विकास हुआ, सड़कें बनी और जो है एक दो योजना ऐसी हैं, जैसे ये मकानों वाली है और जो एक भारत आयुष्मान योजना है, वो जो कार्ड बना 5 लाख रुपए तक का, ये वो गरीबों के लिए बहुत सहायतामंद है, सहायतामंद है। इसी वजह से जैसा ये कह रहे हैं कि लोकसभा की सीटें भी भाजपा को जाएंगी? लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ज़्यादा 10 कम हो सके, अब क्या अन्य सारी बीजेपी को ही जाएंगे, सारी बीजेपी। नाम बताइए। मोहम्मद फरीद। फरीद जी, दूसरा ये जो बसपा सपा का गठबंधन है, ये भी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं? मायावती ने परसों कहा मैं भी प्रधानमंत्री बन सकती हूँ, लग रहा है आपको कुछ होगा इसका? नहीं, ख्वाब तो कोई भी देख सके, जिला सहारनपुर के अंदर जैसे गठबंधन है, यहाँ से तो खेल गठबंधन का इमरान ने खराब करा, और इधर कुछ पकड़ में है केराना से, केराना से पकड़ में जी केराना। बाकी जो राहुल गांधी है वो भी बड़े बड़ी बातें करता है, झूठ पर झूठ बोल दिया, 72,000 दे दूंगा, नौकरियां दे दूंगा, क्या लग रहा है उसका कुछ होगा? इन्हें तो हमने सिर्फ सबको टीवी पे ही सुना, वैसे तो हमने सुना नहीं इन्हें, और बाकी क्या कोई बोल रहा क्या कर रहा इसके बारे में क्या? वादे तो जो है कुछ वादे ऐसे भी जो मोदी ने करे थे पूरे नहीं करे, राहुल जो वादे कर रहा जरूरी नहीं है पूरा कर दे, तो वोट का एक चक्कर है। हम तो नेताओं से मानने पड़े जो लोगों का काम कर रहा, जो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा बसपा कोई सी भी हो, देश में कौन नेता आपको लग रहा है जो गरीबों का काम कर रहा है? गरीबों का नेता अभियान जो मकान बन रहे गरीबों के लिए इंडिया आवास योजना के, उसमें बराबर मकान बन रहे हैं हिंदू मुसलमान के, ऐसा नहीं कि हिंदू का बन रहा है मुसलमान के, बिना भेदभाव के हो रहा है काम। तो आप क्या कहेंगे जी? मोहम्मद इकराम कुरैशी, बिना भेदभाव के काम हो रहा है सरकार में, काम हो रहा, कोई दिक्कत किसी तरह? कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, कोई दिक्कत नहीं सरकार में, मोदी के राज में जो है काम अच्छा हो रहा है।
चोरी चकारी का पहले बहुत वो होता था, लोग 7 बजे के बाद निकलते नहीं थे, उसमें क्या अंतर आया? क्राइम में अंतर आया, कम हुआ है क्राइम। कम हुआ है, क्रिमिनल कहाँ चले गए? वो लोग कह रहे हैं कि अब दिखाई भी नहीं देते, भैंसे भी नहीं चोरी हो रही, महिलाओं से भी अभद्रता नहीं हो रही, वो सब जेल जाली है, वो सब जेल जाली है, जेल जाली है, अपराधी सब जेल में। आप खुश हैं? हम खुश हैं। आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप लोकसभा में? भाई बीजेपी सरकार आनी और क्या था, बीजेपी सरकार आएगी। हाँ, गठबंधन का क्या होगा फिर? माया, ममता, ये अखिलेश, उधर राहुल गांधी, प्रियंका, ये सब क्या? हैंडी में बंद करके तब रख दो। कहाँ रखना चाहोगे अगर आपको मौका दिया जाए? जा कहती हैं सब वही सब। सरकार तो बीजेपी की आनी है, बीजेपी जीतेगी बस। मोदी बीजेपी जिंदाबाद। अच्छा, वो तो जिंदाबाद है, लेकिन लेके क्या आ रहा मोदी? मोदी जो मांगूंगा। मैं तो आप बताइए, आपको क्या अंतर नजर आया पिछले 5 साल में? सब अच्छा महसूस हो रहा, सब बढ़िया, सब अच्छा महसूस हो रहा। सब अच्छा महसूस हो रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा। चोरी चकारी बंद हुई है यहाँ पे? सब कुछ बंद हो गया, गुंडागर्दी, लूटपाट सब बंद हो गया। बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल नहीं, सब शांति का माहौल है, बिना भेदभाव के काम हो रहा है। बिना भेदभाव के काम, बिना भेदभाव। शौचालय बन रहे हैं सबके यहाँ? सब जगह सब सुविधा है, मकान मिल रहे हैं सबको? सबको मिल, सिलेंडर वगैरह मिल, सब मिल रहे, सब मिल रहे। आप क्या कहेंगे? मोदी जी की सरकार चाहिए। मोदी की सरकार क्यों चाहिए? मोदी जी बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया काम का साथ सबका विकास। बुआ बबुआ है, इनके बारे में क्या कहना? बहन के बारे में कुछ नहीं कहते जी, हम ठग बंधन है, तो ठग बंधन है। जी अच्छे काम कर रहे हैं सभी, और सबका बिना भेदभाव के कोई विकास किया जा रहा है, और चोरी चकारी से हर तरह से बंद की गई है, गुंडागर्दी सब खत्म है। पहले हमारे साथ भी कई बार लूटपाट हुई है, पर इस राज में कोई लूटपाट नहीं है, किसी टाइम आओ किसी टाइम जाओ, रात को 2 बजे हम खेत में पड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा, रात को भी दिक्कत नहीं है? पहले दिन कोई दिक्कत नहीं, किसी टाइम खेतों में दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं, किसी टाइम आ जाओ किसी टाइम चले, राम राज हो रहा पूरा, राम राज। मोदी सरकार जिंदाबाद। मोदी सरकार जिंदाबाद क्यों? अच्छी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या अंतर आपको नजर आ रहा है पिछले 5 साल में? 5 साल में बहुत कुछ चेंज हुआ है, जैसे कि सड के यहाँ के माहौल, और जो है लोगों के अंदर जो एक जो है नई चीज़, नई उमंग है, डर डर जो चीज़ें थी सब खत्म हो चुकी, डर खत्म हो गया है। पर राहुल गांधी को बहुत डर लगता है, वो कहता है मेरे को डर लगता है, ये वजह क्या है? वो उनके अंदर की बात होगी, अंदर की कुछ जगह है जहाँ डर फैला रहे हैं बीजेपी वाले, कुछ जगह है हराज कुछ लोग होते हैं। हम क्या कहें जी, जो यहाँ करे वही हम कहेंगे, और क्या कहेंगे। यहाँ के लोग शांत स्वभाव के हैं, यहाँ पे कोई डर नहीं है, ना किसी का भेदभाव है, यहाँ से शुरू से ही जो है शांत स्वभाव के लोग हैं। कुछ जगह हैं जो जहाँ से है वहाँ से हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, वहाँ से जो है आपसदारी में जो है भेदभाव फूट फाट डालने वाले लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ईशान है। ईशान जी, आपको क्या लग रहा है इस बार फिर से भाजपा सरकार आएगी? भाजपा सरकार आने के चांस हैं, लेकिन गठबंधन भी टक्कर पे है। टक्कर पे है, कितनी सीटें उम्मीद कर? भाई इस बारे में मुझे इस चीज की जानकारी नहीं है, मैं पूरे दिन यहीं से दुकान में रहता हूँ। तो आपके यहाँ से तो गठबंधन नहीं जीत रहा? यहाँ पे गठबंधन का जो है चांस लगता है, टक्कर में है। जी टक्कर में, केराना सीट पे जी। मेरा नाम परवेज मंसूरी। जी क्या लग रहा है आपको 5 साल में, क्या बदलाव आए? काफी बदलाव आया है, क्राइम कम हुआ है, विकास हुआ है, हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं हुए हैं, सब शांति से हैं, अपराधी जेल में है या इनकाउंटर हो गया है, सब कुछ अच्छा हुआ है। मतलब या तो अपराधी जेल में या ऊपर है? ऊपर है, तो ये अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। अब इस अच्छे होने के बाद क्या उम्मीद आपको लग रही है? काफी उम्मीद है, बीजेपी की सीटें ज्यादा निकलेंगी और प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे, दोबारा से नरेंद्र मोदी बने। बिल्कुल बनेंगे। तो फिर ये जो सोनिया का लड़का है, मुलायम का लड़का है, मायावती है, इनका कुछ हो रहा है? वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मामला माननीय मोदी जी का है वो किसी का नहीं है। आप खुश हैं मोदी जी के काम से, योगी जी के काम से खुश हैं? आप बताइए नाम अपना। संजीव कुमार जैन। क्या लग रहा है आपको संजीव जी? लग रहा क्या है कि जो 5 साल में जो विकास हुआ है, जो कार्य हुआ है, वो और कोई पार्टी नहीं कर सकती।
और ना ही किसी ने आज तक किया इतना विकास जो हुआ अच्छा हुआ है। और कोई भी पार्टी ये जो ये इस चुनाव में भी मोदी जी ही होंगे, माननीय मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और कोई जैसे आप कह रहे हैं राहुल जी हैं ये हैं इनके बस की कोई काम ही नहीं है, ना ये कुछ कर सकते हैं तो बातें कर सकते हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर सकते। तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं मैं फाइटर प्लेन उड़ा सकता हूँ, वो तो फाइटर प्लेन तो उड़ा ही रहे हैं, वो तो 72,000 रुपये महीना भी दे रहे हैं लोगों को, वो भी उनके खाते में आ जाएंगे। हाँ साल के जो भी है ना, साल में भी ना मिलेंगे, उसने कह दिया कि एक साल से पहले नहीं मिलेगा कुछ भी, और एक साल बाद भी मिलेगा या ना मिलेगा वो अलग बात है। शुभम धीमान, शुभम जी आपको क्या लग रहा है 5 साल में क्या बदलाव हुए और उसके बाद में क्या लोकसभा में होने जा रहा है? मोदी है, मोदी है, मोदी है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, हर हर मोदी, घर घर मोदी।